पूरे धूमधाम के साथ इस जयंती को मनाते हैं। इसी क्रम में तमाम ऐसे छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। मैं सभी स्वर्णकार भाइयों को इस मंच के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष को स्वर्णकारों को इस मौके पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वार्षिक आयोजन हुआ है हमारा महाराजा अमृत जयंती के उपलक्ष्य में। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी भी हैं और हमने आज पूरे समाज को यहाँ पर जोड़ के उनकी एकता और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, इन सब मुद्दों को उठाते हुए जितने लोग यहाँ पे हैं मौजूद कृपया करके धैर्य से बैठे रहें और कार्यक्रम को आगे लेके जाएं। उम्मीद है कि हम इन मुद्दों को एक साथ समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। समाज इन मुद्दों पर जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारा लक्ष्य है कि हम समाज में एक अपना एक मुकाम हासिल करें, शिक्षा के द्वारा एक अच्छी पोस्ट लें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, सब लोग अपना व्यापार में आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य को लेके हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। उम्मीद है कि अगले वर्ष भी इन्हीं मुद्दों के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। पूरे धूमधाम के साथ इस जयंती को मनाते हैं। इसी क्रम में तमाम ऐसे छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। मैं सभी स्वर्णकार भाइयों को इस मंच के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष को स्वर्णकारों को इस मौके पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वार्षिक आयोजन हुआ है हमारा महाराजा अमृत जयंती के उपलक्ष्य में। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी भी हैं और हमने आज पूरे समाज को यहाँ पर जोड़ के उनकी एकता और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, इन सब मुद्दों को उठाते हुए जितने लोग यहाँ पे हैं मौजूद कृपया करके धैर्य से बैठे रहें और कार्यक्रम आगे लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम इन मुद्दों को एक साथ समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। समाज इन मुद्दों पर जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारा लक्ष्य है कि हम समाज में एक अपना एक मुकाम हासिल करें, शिक्षा के द्वारा एक अच्छी पोस्ट लें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, सब लोग अपना व्यापार में आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य को लेके हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। उम्मीद है कि अगले वर्ष भी इन्हीं मुद्दों के साथ हम और आगे बढ़ेंगे।